रायबरेली में बिजली विभाग इतना लापरवाह हो गया कि गंभीर मामलों में भी संज्ञान लेने में लापरवाही बरत रहा। ये लापरवाही किसी दिन लोगों की मौत का कारण बन सकती है। बिजली विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर पानी फेर रहा, जहां सरकार विद्युत व्यवस्था को सुधारने व सुचारू रूप से चलाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी की उदासीनता के चलते लोगों की मौत का कारण बन रहा। बिजली विभाग में चल रही ठेकेदारी की प्रथा मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं, लोगों की जान के दुश्मन बनी है। इस ठेकेदारी प्रथा में कई विद्युत के संविदा कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके। विद्युत विभाग इतना लापरवाह हो गया है कि किसी को उसकी जान के फिक्र है तो वसूली की। मुंशीगंज के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर यह बिजली का पोल नीचे से पूरी तरीके से सड़ गया, जो किसी भी दिन किसी की मौत का कारण बन सकता है। आए दिन उधर से संविदा अधिकारी व कर्मचारी रोजाना गुजरते, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। ध्यान देता है तो सिर्फ कंज्यूमर की बिजली कितनी ज्यादा बकाया है, किस तरह से सांठगांठ करना है, बस यही और याद रहता है। मुंशीगंज चौराहे पर व्यापार करने वाले लोगों की इसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से की, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मुंशीगंज चौराहा नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में आता है। क्या बड़ी घटना होगी तभी विद्युत विभाग जागेगा या स्थानीय नेता जोसेफ फोर्ड की राजनीति करते हैं? क्या परिचय है आपका? राजनारायण मौर्य, समाज सेवी, रायबरेली से हूँ। अभी मैं फल के दुकान पे रुका और फल लेने का प्रयास किया तो मेरी नज़र इस पोल पे पड़ती है जो कि ये मौत का दावत दे रहा। बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि उसको कोई ध्यान में देने को तैयार नहीं है, और ये किसी वक्त बड़े हादसे का शिकार यहाँ के लोग हो सकते हैं। मुंशीगंज कस्बा के निकट चौकी के बगल का ही पोल है, बिजली विभाग इस पर जरा सा कार्रवाई नहीं कर रही, और सामने विजय बीज भंडार भी है, उसी के ठीक सामने का ये पोल है। हल्के ले लो, हल्के हल्के निकल।